की मोबाइल स्क्रीन पर एक ग्रुप में एक पुलिसकर्मी भी नजर आ रहा है। ये पुलिसकर्मी किस लिए नजर आ रहे हैं, क्यों नजर आ रहे हैं, इससे पहले हम हमारे तमाम दर्शकों से जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं चाहेंगे कि इस पुलिसकर्मी की हौसला अफजाई के लिए एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी उमेद बैराणी, आप जुड़े हैं अशोक सेरा फेसबुक पेज से। साथियों, आपके मोबाइल पर की स्क्रीन पर इस वक्त एक पुलिसकर्मी जो साइन करते हुए नजर आ रहा है पर्चे पर। ये पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाड़मेर जिला अस्पताल में अपने मरणोपरांत अपने शरीर का देहदान कर रहे हैं। इनका नाम चंद्र प्रकाश भाटिया है, जो बाड़मेर शहर के सदर थाने में कार्यरत है। चंद्र प्रकाश भाटिया का आज जन्मदिन है और चंद्र प्रकाश भाटिया अपने जन्मदिन पर मरणोपरांत अपने शरीर का देहदान कर रहे हैं। देहदान जो पत्र हैं वो डॉक्टर कर्मियों को सुपुर्द कर रहे हैं कि मेरा शरीर मरने के बाद किसी के काम आए, इससे ज़्यादा पुण्य का काम नहीं हो सकता। तो हमारे तमाम दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार इस तरह के पुलिसकर्मियों के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जानिए आगे इस वीडियो में चंद्र प्रकाश भाटिया का क्या कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम चंद्रशेखर भाटिया है। मैं अमला राम जी बोस और हमारी स्थानीय यहाँ के लोग तगराम जी शक्ति साहब समाज से वीर और भी महात्मा वगैरह लोगों से उनसे प्रेरणा स्रोत हुई और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर जीते जी देश की सेवा करता हूँ तो मृत्यु उपरांत ही मेरे देश की सेवा के लिए मेरा शरीर बॉडी डोनेट काम आए, इसलिए मैंने ये घोषणा की है। और आज ही मेरा जन्मदिन है और पीछे भी मैंने अपने जन्मदिन पर मानव संस्थान में अन्य भी जगह जगह शिक्षा दूर और भी शिव गुरु किया है और आज भी मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि हालांकि अपने समाज में थोड़ा परिवार की वजह से सपोर्ट कम आता है, लेकिन ऐसा करना संभव बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी मेरे परिवार ने साथ दिया, मैंने आज घोषणा कर दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा परिवार और इस बात में मेरे से सपोर्ट करें और ऐसे भी लोगों को इस देहदान में घोषणा करने के लिए अपनी बॉडी डोनेट के लिए आगे आना चाहिए, ताकि वैज्ञानिक सोच और डॉक्टर तरक्की के लिए शिक्षा हेतु और भी काम आ सके। बाकी और भी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? मैं एक गुड़ामा लड़नी के रहने वाले अमरा राम जी बोस, सबसे पहले मुझे उनसे ही प्रेरणा मिली थी। वो भी एक समाज सेवी और बड़े समाजसेवी हैं। उनका एक हमारा एक आरोग्य पुस्तकालय के नाम से एक संस्थान भी बन रहा है, तो शिक्षा हेतु गरीबों के बच्चों के लिए लाइब्रेरी वगैरह बनेगा, वो सबके सहयोग से बन रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियाँ दे जाती है, कोशिश आगे भी करते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद।